स्वागत है मेरे समुराई रॉड चैनल पे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, डॉग की वैक्सीनेशन के बारे में। तो आज आपको इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, आपको अपने डॉग की किस किस चीज़ों पर ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं डॉग का वैक्सीनेशन क्यों होता है और हमें क्यों वैक्सीनेशन डॉग का करवाना चाहिए। डॉग की जो वैक्सीनेशन होती है उसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट कुछ डॉग ओनर्स के नॉलेज ना होने की वजह से उसके अंदर कैजुअलिटीज आ जाती है हमारे पेट के अंदर। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, जो 80% डॉग का डेथ का रीजन होता है फॉल्टी वैक्सीनेशन करवाने की वजह से या तो डॉग का वैक्सीनेशन ना होने की वजह से। मैं आपको कुछ डेंजर वायरस का नाम बता देता हूँ जो आपके डॉग के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जैसा कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ये वायरस ऐसा है जो वायरल डिजीज से होता है और आपके डॉग के ऑर्गेन को डैमेज कर सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि आपका डॉग वॉमिट कर सकता है, या आपका डॉग को डायरिया हो सकता है, या आपका डॉग किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ दूसरे वायरस के बारे में जिसका नाम है रैबिस वायरस। ये बहुत ही डेंजर होता है डॉग के लिए, शायद ही इसका कुछ ट्रीटमेंट है आपके डॉग के लिए, इसमें बहुत ही कम चांसेस होता है आपका डॉग का बचने का। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ तीसरे वायरस के बारे में जिसका नाम है केनाइन पार्वो वायरस। ये डॉग के लिए काफ़ी वायरल डिजीज़ है, ये ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड और यंग एज के डॉग को होता है। हमें सबसे पहले पप्पी की वैक्सीनेशन 45 डेज के एज पे कर देनी चाहिए। अगर आप उससे पहले करवाना चाहते हो तो 30 डेज पे पप्पी डीपी कर सकते हो। ये जो 45 डेज वाला वैक्सीनेशन है, आप जो भी 7-in-1, 11-in-1, 6-in-1 जो भी अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो आपके जो भी वेट रिकमेंड करते हैं आप उसे लगवा सकते हो। पपी की फर्स्ट वैक्सीनेशन 45 डेज के एज पे लग जानी चाहिए। DHPPI इसका साइंटिफिक नेम है, आप ऐसे सिंपली बोल सकते हो 7-in-1, 6-in-1, 11-in-1। और सेकेंड वैक्सीनेशन इसका बूस्टर होता है जो 21वें दिन पे लगता है। अगर आपने 45 डेज पे लगाया है तो उसको 21वें दिन के बाद पपी को लगेगा। थर्ड वैक्सीनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको 90 डेज के अंदर लगवा लेना है, या 87 डेज पे भी लगा सकते हो, या 88 डेज पे भी लगवा सकते हो, उसे हम कहते हैं एंटी रैबिस। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल समुराई रॉड।